राणा दग्गुबती तापसी पन्नू की फिल्म द गाजी अटैक इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की कहानी है। फिल्म को सेलिब्रिटीज और क्रिटिक से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। आइए अब देखते हैं कि फिल्म को देखने के बाद मुंबई की ऑडियंस का क्या कहना है। एक्सेलेंट, यस डेफिनेटली, पब्लिक कनेक्ट लूज कर ही नहीं पाएगी, उतना अच्छा है। It was amazing. Now, like same thing you were telling everyone. It was amazing. Like it was difficult to capture the full war in 2 hours, but it was amazing. All the actors were amazing. 5 to 8 to 7 to 9 to 10, all the stars are given to them. संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में के मैनन, अतुल कुलकर्णी और राहुल सिंह नजर आएंगे। इसके अलावा इस फिल्म में लोगों को दिवंगत अभिनेता ओम पुरी का अभिनय भी देखने को मिलेगा। INS रिपोर्ट।